नमस्कार आप सभी को। ठीक है मैं यक्ष निर्माण, फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि ये लोट्स ऑफ वीडियोस हमारे लोशो ग्रिड एंड अलग अलग स्ट्रीम्स को रिलेटेड या रिलेट करते हुए हमारी वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और उसमें हमारी सहायता करेंगे अमित कुमार गिरी। और वो नया टॉपिक लेके आए हैं, वो आपको समझाएंगे केरलीय प्रश्न विधि के बारे में। अमित जी, क्या होता है केरलीय प्रश्न विधि, कहाँ से ये आई, थोड़ा हमें डेप्थ में बताइए। नमस्कार सर। केरलीय नमस्कार प्रश्न विधि जो होती है, इसमें जातक का जी। जो प्रश्न है उसके उत्तर देने की विधा है ये। जैसे ज्योतिष में वो वैदिक में प्रश्न कुंडली होती है, उसी तरीके से ये प्रश्न विधि है, लेकिन इसमें कुंडली नहीं बनाई जाती है। ओके इसमें कुट मिलान करके जातक के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो जी इसमें जैसे इसमें लिमिटेड प्रश्न होते हैं जिसका जवाब दिया जा सकता है। जैसे किसी के कार्य में लाभ होगा या हानि होगा या सामान्य स्थिति रहेगी, उसके बाद जैसे कोर्ट केस में उसे जीत हासिल होगा या हार हासिल होगा या समझौता होगा, घर जी में सुख होगा या नहीं होगा, बिल्कुल शादी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद ससुराल या मायके का सुख उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनका वो जनरल सा प्रश्न होता है कि कंसीव होगा या नहीं होगा या मिस कैरेज होगा, या जैसे शेयर बाजार से जुड़ा सवाल है उसमें लाभ होगा या हानि होगा या फिर वो बराबर रहेगा। इसमें मतलब तीन तरीके का उत्तर होता है, एक या तो लाभ होगा या हानि होगा या सामान्य रहेगा। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये आई, ये विद्या आई? ये विद्या मूलतः दक्षिण भारत की विद्या है और ये केरल से आई है। ओके, केरल में इस तरीके की बहुत सारी विद्या विधाएं हैं। जी, तो आज आप क्या शेयर तो करेंगे, इस क्या तरीके का बताएं? जी आज मैं बताने वाला हूँ केरलीय प्रश्न के कुछ बेसिक टिप्स को। जी तो सबसे पहले जो मतलब केरलीय प्रश्न जो होता है, जो प्रश्न कहाँ से उठता है, प्रश्न उठता है जो हमारे विचार होते हैं। जी सबसे पहले मन में विचार आता है और विचार जो है फ्रिक्वेंट, मतलब एक विचार काफी ज्यादा वो मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो प्रश्न का रूप ले लेता है। और जवाब जो होता है वो प्रश्न के अंदर ही होता है। किसी भी चीज का जवाब जो होता है, किसी भी प्रश्न का जवाब होता है उस प्रश्न में ही छिपा होता है। उसी तरीके से केरलीय प्रश्न विधि भी काम करता है हमारा। तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति हमारे पास ये जानने के लिए आया है उसका नेचर देखकर हम मतलब वो बता पूछते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ। उस ओके क्वेश्चन को पूछने के बाद फिर उससे कूट मिलान करके उसके बाद उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कूट और मिलान क्या इसमें ये होता भी है, जैसे इसमें अक्षरों को नंबर दिए जाते हैं, है? ओके उस अक्षरों को फिर ऐड करने के बाद उसमें कुछ डिवाइड करके या कुछ ऐड करके, कुछ घटाकर, कुछ गुना करके, ऐसे करके बताया जाता है इसमें। ओके तो उसका कूट मिलान करने के बाद जैसे जो आता है रिजल्ट उसका, उस हिसाब से हम लोग उसका जवाब देते हैं। ठीक है। और इसको कैसे यूज किया जाता है, क्या इनके प्रोस्पेक्टस रहते हैं, वो शेयर कीजिए। सबसे पहले तो इसको करने जो इसकी वो होती है एक्यूरेसी होती है, जी वो डिपेंड करता है मेडिटेशन पे। जैसे ओके जो प्रश्न का जवाब दे रहा है उसको भी मेडिटेशन करना पड़ता है, और जो प्रश्न करता है उसको भी मतलब शांति की अवस्था में ही क्वेश्चन पूछना है। जैसे कोई अगर आपके पास आया कि मतलब मेरे साथ ये हार होगा या जीत होगा या सामान्य स्थिति रहेगी या फिर उसका जो भी प्रश्न हो, तो जी सबसे पहले उसे एक गिलास पानी देंगे। जी पानी देने के बाद उसको बोलेंगे कि आप बैठिए, आपके जो इष्ट हैं उनको याद करिए, मतलब जब उसकी दिमाग जो है रिलैक्स हो जाए, उसके बाद उससे कहते हैं कि अपना प्रश्न पूछिए आप। ओके अब जैसे प्रश्न वो अगर सुबह को पूछता है जी तो हमें जवाब जो है मतलब आज के दिन दिन तक दे देना है, मतलब रात के 12 बजे से पहले पहले हमें जवाब दे देना है उसका। जी और क्या क्या अब होता है? प्रश्न जैसे होते हैं, जी इसमें जैसे प्रश्न होते हैं, प्रश्न चार प्रकार के होते हैं। जैसे अच्छा चार प्रकार के लोग होते हैं, जी एक जो है आध्यात्मिक लोग होते हैं जो धर्म कर्म से जुड़े रखते हैं, धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, शांत स्वभाव के जो लोग होते हैं, तो उनसे हम फूल का नाम पूछते हैं। सबसे पहले उनसे बोलेंगे कि आप एक मतलब अपने दिमाग को शांत करके और एक कोई भी जिस जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपको इंट्यूशन आ रहा है फूल का नाम वो बताइए आप। ठीक है तो उनसे फूल का नाम पूछ लेंगे। जो थोड़े धूर्त और चालाक व्यक्ति हैं, झगड़ालू स्वभाव के हैं, कपटी हैं, उनसे नदी का नाम पूछा जाता है कि आप एक नदी का नाम बोलिए। ओके और तीसरा जो है व्यापारी वर्ग के अगर लोग आते हैं जी तो उनसे बोलते हैं कि आप मतलब वो थोड़ा शांत हो जाइए, लंबी गहरी सांसें ले लीजिए,
और अपने दिमाग को रिलैक्स करके किसी एक देवता का नाम बोल दीजिए या देवी का नाम बोल दीजिए। और जो नौकरी करने वाले जो पर्सन है, जॉब बिजनेस वाले, उनसे बोला जाता है कि आप एक फल का नाम बोलिए। और इन सब नामों को, जैसे वो जातक कोई नाम बोलता है, उस नाम को हम कुंड मिलान करने के बाद फिर जो रिजल्ट आता है उसके आधार पे हम प्रिडिक्शन देते हैं इसमें। ओके तो ये और इसमें एक और है, जी बोलिए इसमें एक बोलिए। और ये है कि जैसे टाइम का भी ध्यान रखा जाता है। टाइम ये है कि जैसे कोई मॉर्निंग में अगर प्रश्न करता है तो मॉर्निंग में उसे बोलेंगे कि आप ध्यान में मतलब 10 मिनट बैठिए और उसके बाद आप एक पेड़ का नाम लीजिए, जो आपके जो जो आपको मतलब मन में इंट्यूशन है, जो आपका आए उस पेड़ का नाम लीजिए। अगर दोपहर में कोई प्रश्न करता आता है हमारे पास तो उसे बोलेंगे कि आप एक फूल का नाम लीजिए। अगर ठीक है। सवाल शाम को 4 बजे फल का नाम लीजिए, शाम वो को फल का चार नाम बजे लेते हैं उसके बाद हम उस शाम को चार बजे शाम को 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे से लेकर जी रात्रि के 12 बजे से पहले पहले तक, मतलब 11:55 तक, जी अगर कोई जातक आता है प्रश्न लेकर तो उसे बोलेंगे कि आप एक फल का नाम लीजिए। ठीक है अब इन सब नामों को लेकर हम कूट मिलान करते हैं। ठीक है। और कूट मिलान करने के बाद जो हमारा वो बनता है उसके हिसाब से हम इसका वो देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं। तो बेसिकली केरली पर्शियन विधि है, टोटली बेस्ड अपॉन नेचर, नेचर से रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है और वहीं से उसकी जी मानसिकता को, उस जातक की मानसिकता को हैंडल किया जाता है। ठीक है, यही होता होगा जी सर। ओके जी हाँ, जो हमने केरलीय प्रश्न विधि में जो पहले बेसिक्स बताई थी जी, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे, जैसे जो अक्षर होते हैं उनकी कोड नंबरिंग क्या क्या होती है, क्योंकि उन अक्षरों के नंबर के आधार पर ही हम अपना वो बनाएंगे, कूट बनाएंगे या कूट कूट करके पिंड बनाते हैं उसको, उनको ऐड करके। तो आज अक्षरों की संख्या बताएंगे, जैसे इसमें जो स्वर वर्ण होते हैं तो उसमें आ, आ, आ की जो संख्या होती है 12 नंबर दिया जाता है उसको, आ को 21 नंबर दिया जाता है, छोटी ई को 11 नंबर और बड़ी ई को 18 नंबर और छोटी ऊ को 15 नंबर, बड़ी ऊ को 22 नंबर, ए को 18, ए को 32 और ओ को 25 नंबर, औ को 19 और अंक को 25 नंबर दिए जाते हैं। ओके उसके बाद व्यंजनों की भी संख्या है, जैसे क है, क को 13 नंबर दिया जाता है, ख को 11 नंबर, ग को 21 नंबर, घ को 30 नंबर, अंग को 10 नंबर, च को 15 नंबर, छ को 21 नंबर, ज को 23 नंबर, झ को 26 नंबर और जो यहाँ होता है उसको 26 नंबर दिया जाता है, ट को 10 नंबर और ठ को 13 नंबर, ड को 22 नंबर, ढ को 35 नंबर, अड़ को 45 नंबर। उसी तरीके से त को 14 नंबर, थ को 18 नंबर, द को 17 नंबर, ध को 13 नंबर, न को 35 नंबर और प को 27 नंबर, फ को 18 नंबर, ब को 26 नंबर, भ को 27 नंबर, म को 86 नंबर दिया जाता है। अब उसके बाद आता है य को 16 नंबर, र को 13 नंबर, ल को 13 नंबर, व को 35 नंबर, स को 26 नंबर और ये जो षटकोण वाला स होता है उसको 35 नंबर और दंत स जो होता है उसको 35 नंबर और ह को 12 नंबर दिया जाता है। ओके, इसमें न्यूमेरोलॉजी की तरह हर डिजिट को एक नंबर दिया हुआ। हाँ सर ठीक। इसमें जैसे न्यूमेरोलॉजी में हर डिजिट का नंबर, सारे डिजिट का वर्णों का एक एक नंबर है। ठीक है। ओके, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमारे लोड्स ऑफ टॉपिक्स क्लियर हुए केरलीय पर्शियन विधि से रिलेटेड, आज अमित जी उस वीडियोस को, उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ बताएंगे। हाँ जी अमित जी, क्या लेके आए आज आप? जैसे सर हमने पीछे की सीरीज में हमने ये बता दिया है कि उसका बेसिक्स क्या होता है, उसके बाद अक्षरों की जो कोडिंग होती है मतलब नंबर्स क्या क्या होते हैं, स्वर वर्ण और जो व्यंजन वर्ण है, तो आज मैं बताऊंगा कि जो अब तो हम लोगों ने कोडिंग सीख ली और बेसिक्स सीख लिया, तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ जैसे अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न आता है तो उसे कूट मिलान करके उसके रिजल्ट तक कैसे पहुँचे। जी, तो सबसे सबसे पहले अगर हमारे पास कोई प्रश्नकर्ता आता है और हमने उससे पेड़ का या फल का या नदी का नाम पूछ लिया है, ठीक, तब उसे जवाब कैसे देंगे? तो अगर अगर प्रश्नकर्ता का प्रश्न लाभ हानि से रिलेटेड है जी, और उसने जैसे किसी देवता का या फूल का या फल का या वृक्ष का
नाम बताया है, तो वो जो नाम का जो अक्षर होते हैं, जैसे हमने वो बताया है कि अक्षरों की कोडिंग ये होती है, अक्षरों के जो पिछले सीरीज में जो कोडिंग बताई है, तो कोडिंग को पहले आप कॉपी पे लिख लीजिए। लिखने के बाद उससे जैसे किसी ने जैसे पेड़ का नाम पकड़ा, जैसे उसने उसने कहा कि पीपल है, तो वो पीपल को कूट कैसे करेगा, तो पीपल को करेगा प, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है तो बड़ी वाली ई, और फिर आया प और फिर ल, तो इन चारों अक्षरों को जब वो जोड़ता है तो उसे 85 नंबर प्राप्त होते हैं। ओके, तो इसी नंबर इसी को डिजिट के हिसाब से हमें जोड़ना है। हाँ सर, तो जैसे 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 को भी हमें जोड़ना है। हाँ सर, जैसे पी है तो इसमें प होता है जी, और जो उसमें ई की जो मात्रा आई है वो स्वर वर्ण में चला गया, स्वर वर्ण में, तो हम वहाँ पे प और ई लिखेंगे, फिर प लिखेंगे, फिर प ल लिखेंगे, और उसको सारे को जोड़ने के बाद हमारा जो 85 नंबर आया, इस 85 नंबर को हम कहते हैं पिंड। जैसे किसी ने कहा, जैसे किसी से फूल का नाम पूछा गया, उसने गुलाब बोला जी, तो गुलाब को कैसे जोड़ेंगे, इसमें ग है, उसमें छोटी उ की मात्रा है तो ग उ, और ल जो है उसमें आ की मात्रा है तो ल प्लस आ प्लस ब। अब इन सारे अक्षरों को जब जोड़ेंगे तो 96 आता है। ठीक है, तो ये जो 96 आया, 96 को बोलेंगे पिंड आया, मतलब इसको बोलेंगे ये 96 नंबर हमारा पिंड आया। ऐसे करके जो ये कोई फल का आती है उसे पिंड बोलते हैं। हाँ, कैलकुलेशन को पिंड बोलते हैं। ओके, ऐसे करके कोई नदी का भी नाम बोल ले, तो जैसे गंगा है, गंगा को जब काउंट करेंगे तो ग उसकी जो ऊपर की बिंदी है तो उसको अंग कहते हैं, तो ग प्लस अंग प्लस ग प्लस फिर आ, आ की मात्रा आएगी लास्ट में, तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो 88 नंबर आता है, 88 नंबर पिंड बनता है। वैसे अगर कोई फल का नाम पूछे, उसने बोला सेब है, तो स प्लस ए की मात्रा ए प्लस व, इन सबको जोड़ लेंगे तो इसका भी 88 नंबर आता है पिंड बन के। ठीक है, तो ऐसे करके हमें उसको जोड़ लेना है और जोड़ के पिंड बनाना है पहले। ठीक है,